हेलो दोस्तों, दिस इज राहुल सर। आज के हम वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और ये लेक्चर बेसिकली डिजाइन है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी एक बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं। और बेसिकली इस लेक्चर का उद्देश्य होगा कि आपके प्रैक्टिस सेशन के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ बहुत सार थ्योरी बताई जाएगी। तो आपका सब्जेक्ट है आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जी हाँ, तो सबसे पहले हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टर्म पढ़ेंगे वो आपका रहेगा एजम्पशंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जी हाँ, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मान्यताएं क्या क्या हैं, वहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा एजम्पशंस ऑफ SOM। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्या क्या मान्यताएं हैं। पहली मान्यता आपकी है, मटेरियल इज कंटिन्यूअस, यानी कि नो वॉइड्स एंड नो क्रैक्स। यानी कोई भी पदार्थ जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज किया जाएगा वो ये मान लिया जाएगा कि वो पूरी तरह से कंटिन्यूअस है। इन द सेंस उसमें ना तो कहीं वॉइड्स है और ना तो ही कहीं पे क्या है, क्रैक्स है। दूसरा आपका एजम्पशंस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो साथियों, यहां दो टर्म हम पढ़ रहे हैं, एक का नाम है होमोजीनियस और दूसरा का नाम है आइसोट्रॉपिक। तो दोनों को अलग अलग हम पढ़ लें। सबसे पहले हम समझते हैं होमोजीनियस। मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता होमोजीनियस और दूसरा होता हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी। अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो होमोजीनियस का मतलब होता है सेम ओरिजिन। ऐसे कोई भी पदार्थ जिसकी हर जगह पे घनत्व तो क्या हो, एक समान हो, उसे बोला जाता है होमोजीनियस मटेरियल। तो होमोजीनियस की डिफिनेशन एक लाइन में पूछा जाए तो बताया जाएगा कि होमोजीनियस मटेरियल के किसी एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन में स्ट्रेंथ एक समान होती है, सामर्थ्य एक समान होती है। अगर बात किया जाए होमोजीनियस मटेरियल की तो किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में इनके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एक समान पाई जाती है। यानी इनकी किसी एक पॉइंट पर सामर्थ्य एक डायरेक्शन में एक समान होती है। तो होमोजीनियस मटेरियल में एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, ये याद रखना है। और इसके एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो जैसे हो गया आपका वुड एंड आयरन एंड सिल्वर, जितने भी मेटल हैं वो सभी क्या होते हैं, होमोजीनियस मटेरियल होते हैं। याद रखना है कौन से पदार्थ आपके होमोजीनियस नहीं होते हैं। एसएससी जेई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टील होमोजीनियस है कि नहीं है। तो स्टील एक एलॉय है, जितने भी एलॉय होते हैं जैसे स्टील हो गई, पीतल हो गया, ये सब जो होते हैं वो होमोजीनियस ना होकर के हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो स्टील हो गया, एलॉय हो गया और आपका पीतल हो गया, ये सब होमोजीनियस मटेरियल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं होमोजीनियस के बाद, यहाँ पे दो टर्म है, मटेरियल कंटिन्यूअस होना चाहिए
दूसरा मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। तो हमने होमोजीनियस की चर्चा कर दी, अब दूसरा टर्म जो टेक्निकल टर्म आपका है वो आपका है आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक सेंस क्या होता है? आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सेम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो किस ऐसे पदार्थ जिसका किसी एक पॉइंट पर एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी एक समान हो उसे बोला जाता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल का शाब्दिक अर्थ होता है सेम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और अगर डिफिनीशन पे जाया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में, यानी कि एक पॉइंट है और सभी डायरेक्शन में अगर इसकी सामर्थ्य देखी जाए तो हर डायरेक्शन में सिग्मा सिग्मा स्ट्रेंथ ही मिल रही है। यानी ऐसा पदार्थ जिसकी किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी एक समान होती है उसे आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए आइसोट्रॉपिक मटेरियल के, तो सभी फाइन ग्रेन्ड मटेरियल, एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए इसके एग्जाम्पल की, तो सभी फाइन ग्रेन्ड मटेरियल यानी ऐसे पदार्थ जिसके रेशे महीन हो, फाइन ग्रेन्ड मटेरियल या फिर आपका स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सभी मेटल हो गए और एलॉय जो हो गए, वो सब क्या होते हैं आपके, वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं। लेकिन अगर वुड की अगर बात किया जाए तो वुड जो होती है वो आपका आइसोट्रॉपिक मटेरियल नहीं होता है। जी हाँ, तो वुड जो है वो एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल नहीं है। तो अभी हमने क्या सीखा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एजम्पशंस सीखा। एजम्पशंस में हमने पढ़ा कि मटेरियल जो होना चाहिए वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी उसमें कहीं ना तो वाइड्स होना चाहिए ना ही क्रैक्स होना चाहिए। दूसरा, मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। होमोजीनियस क्या होता है ये भी हमने बता दिया, आइसोट्रॉपिक क्या होता है ये भी हमने बता दी, इसका एग्जाम्पल क्या है यही आपको याद रखना है। अब पूछा जाए एक लाइन में कि पेपर में क्या पूछेगा, तो पेपर में ये पूछता है वुड होमोजीनियस है कि आइसोट्रॉपिक है, स्टील होमोजीनियस है कि आइसोट्रॉपिक है, बस इतना याद रखना है, बाकी सब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब देखिए, इसके अलावा हमको ये सीखना है, होमोजीनियस हमने बता दिया, आइसोट्रॉपिक बता दिया, इसके बाद जो हम सीखेंगे ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। अब देखिए ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है कि ऐसा पदार्थ जिसके किसी एक पॉइंट पर तीन परस्पर लंब दिशा में भौतिक गुण अलग अलग हों उसे ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि किसी एक पॉइंट पर तीन परस्पर लंब दिशा में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है
वो क्या होता है अलग अलग पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए अगर इसके, तो इसमें पाया जाता है सभी परतदार पदार्थ, सभी परतदार पदार्थ इसके अलावा इसमें पा सकते हैं उड है, सेडिमेंटरी राख है, आपका मार्बल हो गया, कोयला हुआ, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो साथियों आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल किसको कहते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे ऑर्थोट्रॉपिक के बाद फिर हम जानेंगे इन आइसोट्रॉपिक मटेरियल या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक, और उसी को एलोट्रॉपिक मटेरियल भी कहते हैं। तो तीसरा चौथी जो है आपका ये इन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, इन आइसोट्रॉपिक जिसको एलोट्रॉपिक या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन होती है किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, इन द सेंस कि किसी एक पॉइंट पर सभी दिशाओं में इसके जो सामर्थ है उसकी वैल्यू, यहाँ सिग्मा वन है तो इधर सामर्थ सिग्मा टू मिलेगी, इधर सिग्मा थ्री मिलेगी, सिग्मा फोर, ऐसे ही हर जगह हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है अलग अलग पाई जाती है। बेसिकली इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल है आपका गांठदार लकड़ी। कौन सा है? गांठदार लकड़ी, ऐसी कोई भी उड जिसमें गांठ हो, गांठदार लकड़ी वाइड्स और क्रैक्स वाले मटेरियल, वाइड्स एंड क्रैक्स मटेरियल, ऐसे जो भी पदार्थ जिसमें वाइड्स हो और क्रैक्स हो वो क्या होते हैं इन आइसोट्रॉपिक मटेरियल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, दोस्तों ये वीडियो लेक्चर में हम थियरी बहुत स्टार्ट करके रखेंगे, ये बेसिकली प्रैक्टिस सेशन से ज्वाइन करने वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें वही स्टूडेंट्स अलाउ किया जाता है जो कि एक बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की थियरी कहीं ना कहीं से पढ़ चुका हो। तो बेसिकली इसमें थियरी बहुत शॉर्ट रखी जाती है, केवल रिवीजन पर्पज के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन जहां से उठता है वो आपका है टेंशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील। अब बात करते हैं टेंशन टेस्ट इन माइल्ड स्टील, टेंशन टेस्ट इन माइल्ड स्टील, स्टील की तीन बहनें हैं, कार्बन की मात्रा के आधार पर स्टील को तीन हिस्सों में बांटा गया है। जिस स्टील में कार्बन सबसे कम होता है 15% तक होता है उसे बोला जाता, सॉरी 0.15% तक होता है उसे बोला जाता है माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का टेंशन टेस्ट जो होता है वहां से क्वेश्चन आपका उठता है। तो सबसे पहले माइल्ड स्टील का टेंशन टेस्ट कैसे किया जाता है ये नोट करिए, इट इज कंडक्टेड बाय यूटीएम। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में यूटीएम,
यूटीएम का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस मशीन से आप टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, शियर टेस्ट, इसके अलावा आप बेंडिंग के टेस्ट भी कर सकते हैं यूटीएम मशीन से, इसलिए इस मशीन का नाम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन रखा गया है। तो माइल्ड स्टील का जो टेंशन टेस्ट होता है वो कौन सी मशीन से किया जाता है, वो किया जाता है यूटीएम से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से। दूसरा, माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन जो लिया जाता है वो भी विशेष आकार का होता है, और इसका इस नमूने का स्टैंडर्डाइजेशन कौन किया है, स्टैंडर्डाइज मानकीकरण जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन नमूना, स्पेसिमेन का मानकीकरण ASTM द्वारा किया गया है, ASTM इन अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मशीन के द्वारा आपके माइल्ड स्टील जो होती है उसके टेंशन टेस्ट में जो भी नमूना यूज किया जाता है उसका मानकीकरण ASTM के द्वारा किया गया है। दूसरा, यहाँ पे जो भी नमूना है, यहाँ पे स्पेसिमेन जो था, स्पेसिमेन उसका शेप, स्पेसिमेन का शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, ऐसा है, स्पेसिमेन का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, और इसकी खास बात यह है कि इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है उसके डायमीटर का 4 गुना होती है। एक संबंध ए भी है, और दूसरा संबंध ए है यल बराबर 5.65 अंडर रूट ए, जहां ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम अभी बता रहे हैं आपको। तो ASTM के द्वारा स्पेसिमेन का मानकीकरण किया जाता है, और ये जो टेंशन टेस्ट किया जाता है वो UTM के द्वारा किया जाता है। स्पेसिमेन कैसा होता है, आपका सिलेंड्रिकल होता है, और उसकी लेंथ बराबर क्या होती है, उसकी डायमीटर का 4 गुना होता है, या तो फिर यल बराबर 5.65 अंडर रूट ए होता है। अगला पॉइंट याद रखना है रेखीय विकृति का मापन एक्सटेंसोमीटर या स्ट्रेन रोस्टर से किया जाता है। आप जब भी यूटीएम मशीन से टेंसाइल टेस्ट का आप जो है परीक्षण करते हैं, तो आप बाएं तरफ जो पोस्ट लगी होती है उसमें एक डायल गेज होता है जिसमें देखेंगे तो वो लगा रहता है एक्सटेंसोमीटर, जिसे स्ट्रेन रोस्टर भी कहते हैं। आप RS खुरमी में 11वां या 10वां क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखिएगा, उसमें पूछा है रेखीय विकृति का मापन कैसे किया जाता है, एक क्वेश्चन अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। तो एक्सटेंसोमीटर या स्ट्रेन रोस्टर द्वारा क्या किया जाता है, रेखीय विकृति का मापन किया जाता है। अगली चीज, जो भी नमूना आपका स्पेसिमेन है वो देखने में चित्रानुसार होता है, आप देख लीजिए ऐसा होता है, यहां से यहां तक की लंबाई को गेज लेंथ बोला जाता है, यहां से यहां तक की लंबाई को गेज लेंथ बोला जाता है, और ये जो होता है आपका इफेक्टिव डायमीटर होता है, ये इफेक्टिव डायमीटर होता है, और यल और डी में क्या संबंध होता है हमने आपको बता दिया, यल बराबर क्या होता है 4D होता है। अब देखिए हमने आपको इस टॉपिक में क्या बताया, टेंशन टेस्ट इन माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील का टेंशन टेस्ट UTM से किया जाता है, इसका मानकीकरण ASTM के द्वारा किया गया है, इसमें सिलेंड्रिकल नमूना यूज किया जाता है, नमूने की लंबाई जो होती है उसके डायमीटर का 4 गुना होती है, जिस हिस्से में विकृति का मापन किया जाता है उसे गेज लेंथ कहा जाता है, यल बराबर 4D या यल बराबर 5.65 अंडर रूट ए ले लिया जाता है, और
रेखीय विकृति जिस भी इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है उसका नाम एक्सटेंशोमीटर होता है या स्ट्रेन रोस्टर होता है। दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ दो शब्द हैं, टेंसाइल टेस्ट, माइल्ड स्टील। तो टेंसाइल टेस्ट माइल्ड स्टील का कैसे किया जाता है ये हमने बता दिया, इसको आप एक काम करिए नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ दो वर्ड छुपे होंगे, टेंशन टेस्ट कैसे किया गया है ये हमने बता दिया। अब दूसरी चीज है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील की क्या खासियत है ये यहाँ पे मैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख दे रहा हूं। तो माइल्ड स्टील जो है इट इज डक्टाइल मटेरियल, यह एक डक्टाइल मटेरियल होती है। इसकी इसकी टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों लगभग समान होती है तथा टेंशन और कंप्रेशन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों समान होती है जिसकी वैल्यू लगभग 210 मेगा पास्कल होती है। कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का अल्फा स्टील रेखीय प्रसार गुणांक स्टील का लगभग बराबर होता है कंक्रीट के, और इसकी वैल्यू 1.2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो माइल्ड स्टील की क्या खासियत है मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, आपको इसको अपने नोट्स में रखना है कि माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल होता है, इसकी टेंशन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों क्या होती है एक समान होती है, टेंशन में इसकी इलास्टिसिटी और कंप्रेशन में इसकी इलास्टिसिटी दोनों एक जैसी होती है, और ये स्टील और कंक्रीट दोनों की कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मान जो होता है लगभग एक समान होता है, इसीलिए माइल्ड स्टील को सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में यूज किया जाता है, क्योंकि स्टील और कंक्रीट दोनों की दोस्ती बहुत बढ़िया से हो सकती है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब अगला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को सामान्यतः सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्ट्रेस की डिफिनीशन क्या होती है, स्ट्रेस की डिफिनीशन क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल पर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, एकांक क्षेत्रफल पर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट वस्तु के भीतर उपजा आंतरिक प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल इन द सेंस स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस की जो सिंपल सी डिफिनेशन होती है
तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां पे समझने की कोशिश करिएगा आप, इसको नोट कर लीजिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेस को एक फिगर मैं बना रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए एक प्रिज्मेटिक मेंबर है, इस पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F लग रहे हैं, बल के प्रभाव के कारण वस्तु के लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। चूंकि ये वस्तु जो है वो अपने आप को डिफॉर्म होने से क्या करेगी, रोकेगी, यानी उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, प्रतिरोध होगा। यहां पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, एक प्रिज्मेटिक बार है जिसको हम इक्वल और अपोजिट फोर्स F लगा के पुल कर रहे हैं, तो ये F जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, ये F एक्सटर्नल फोर्स है, इस फोर्स के कारण इस वस्तु की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, बढ़ना चाहेगी, मगर इसके मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, वो इस फोर्स को बियर करने के लिए अंदर से क्या लगाएंगे, प्रतिरोधी बल लगाएंगे, यानी प्रतिरोधी बल लगाएंगे, और ये बल जो है हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेगा, सपोर्ट करना चाहेगा, यानी ये जो फोर्स कैपिटल F लगा हुआ है इसको रजिस्ट करने के लिए इस पूरे क्रॉस सेक्शन के सभी मॉलिक्यूल्स मिल करके अंदर से रेजिस्टेंस R देंगे, तो ये कैपिटल R जो है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर वस्तु जो है वो फैलने से रुक जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R की वैल्यू F के क्या होती है, बराबर होती है। चूंकि यहाँ फोर्स जो कैपिटल F है वो एक्सटर्नल फोर्स है और इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये जो फोर्स, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका अगर A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो A एरिया पे जो एक्सटर्नल इफेक्ट लग रहा है वो F लग रहा है, और F को बियर करने के लिए क्रॉस सेक्शन पर जो रेजिस्टेंस है वो R है, तो रेजिस्टेंस के ये R कितने एरिया पे लगा हुआ है, A एरिया पे लग रहा है, तो यूनिट एरिया पे जो रेजिस्टेंस लगता है उसको डिफिनीशन में क्या हमने बोला है, स्ट्रेस बोला है, तो स्ट्रेस बराबर क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है तो हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस, मतलब कि स्ट्रेस बराबर एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, केवल लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन डिफिनीशन इसकी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जा सकता है, एक पॉइंट नोट करके लिखा जा सकता है कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों न्यूमेरिकली एक समान होते हैं, स्ट्रेस एक टेंसर है, स्ट्रेस टेंसर है, जबकि दाब जो होता है वो स्केलर होता है, स्ट्रेस एक टेंसर है जबकि दाब क्या है, एक
स्केलर होता है। ये एक पॉइंट आपको क्या करना है, मेंशन कर लेना है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा नोट में, ठीक। इसके बाद जो है यूनिट की अगर बात किया जाए स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस और दाब दोनों न्यूमेरिकली एक जैसे होते हैं, तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट जो अगर बात किया जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसकी पास्कल होती है। क्या होती है, इसकी यूनिट पास्कल होती है। तो स्ट्रेस की दो यूनिट हो गई, एक ये भी हो सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल होती है, एसआई यूनिट होती है। अगर अन्य यूनिट की बात किया जाए तो पास्कल जो होता है, आप यहाँ पे याद रखिएगा यूनिट कन्वर्जन में, यूनिट कन्वर्जन में लिखेंगे एक पास्कल बराबर, एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक गीगा, एक मेगा पास्कल बराबर एक एमपीए बराबर क्या होता है 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं एक न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तीसरा है एक गीगा पास्कल बराबर क्या हो सकता है, एक किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ये आप यूनिट कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए और अपने नोट्स में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। आपको स्ट्रेस के लिए एक स्पेशल कमेंट याद करना है, एक स्पेशल कमेंट ये याद करना है, लिख लीजिए, यदि कोई मेंबर डिफॉर्मेशन को फ्री हो, यानी कि उस वस्तु में लगातार डिफॉर्मेशन आ रहा हो और उसमें कोई भी प्रतिरोध ना आ रहा हो, तो कहा जाता है उस वस्तु में जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि अगर कोई मेंबर फैलने को स्वतंत्र हो तो उस मेंबर में जो स्ट्रेस होगा वो शून्य होगा।